4315 करोल बाग है क्या? गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के एकदम नए ब्लॉग में करता हूं आपका बहुत स्वागत है। 12 मई 2023 और टाइम है सुबह सुबह के 6:40 और आज की मैंने पहली अपनी बुकिंग कर दी है कंप्लीट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जो कि पटेल नगर से आई थी मेरे पास। तो उस बुकिंग का मैं ड्रॉप करके बस जस्ट निकल रहा हूँ बाहर और 327 का इसमें बिल जो है पैसेंजर का बना है ये वाला। तो भाइयों आज के अपना तो सारा दिन बिजी रहने वाला है शायद ओला में, अगर कोई बाहर से बुकिंग नहीं आती है तो। और एक भाई कल का जो वीडियो मैंने डाला है किस तरीके से प्राइवेट बुकिंग करें, कौन सा ऐसा तरीका है जो भाई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग आएंगी, उसमें से भाई कुछ तरीके जो मैं करता हूँ फॉलो वो तरीके मैंने उसमें बताए हैं। हो सकता है भाई उन तरीकों को फॉलो करके लोगों को भी लो भाई चोर टैक्सी लो। तो भाई हो सकता है वे तो हो सकता है भाई जो रूल मैं फॉलो करता हूँ टैक्सी लाइन में वो फॉलो करके आप लोगों को भी बेहतर काम मिल जाए। तो मैं तो भाई यही चाहूँगा कि सारे भाइयों ने बढ़िया से बढ़िया काम मिला और अच्छे तरीके से सारे भाई कमाएं। तो भाई जैसा आपने देखा अपने दिन की हो चुकी है शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आज सारा दिन जो जो बुकिंग आएगी हर बुकिंग के बारे में करता रहूंगा भाई आपको अपडेट, और इसी तरीके से बने रहना लास्ट तक और कौन कौन सी बुकिंग आएगी करते रहेंगे उसके बारे में बात। तो चलो भाई आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो भाइयों आज की मेरी अगली बुकिंग आ गई है दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से गुड़गांव के लिए। तो मैं पिकअप लोकेशन में पहुंच भी गया हूं, जैसा ही भी आपने देखा स्टेशन में एंट्री मेरी हो चुकी है और पैसेंजर से बात भी हो गई है, उनको पिकअप करके निकलते हैं गुड़गांव के लिए। भाई करीब करीब 2 महीने के बाद गुड़गांव की बुकिंग एक्सेप्ट की है मैंने और आई है मेरे पास। तो गुड़गांव की बुकिंग में आज कितना बिल बनेगा और कितने किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी, टोटल क्या इसमें खर्चे होंगे, टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर वापसी में बुकिंग आएगी नहीं आएगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में करेंगे भाई बात। तो बने रहना व्लॉग में और अभी मैं करता हूँ पिकअप पैसेंजर का। भाई यहाँ पे हमारा घंटा करीब 1 घंटा ख़राब हो गया था, मोदी जी आ रहे थे भाई तो इस वजह से रास्ता कर रखा था पूरा बंद, तो यहाँ खड़े खड़े ही पसीने छूट गए सवारी के। 1 घंटा कहाँ, तो मुझे 1 घंटा 10 मिनट में पहुँचने का दिखा रहा था और हम पहुँचे करीब 1 घंटा 55 मिनट में। तो भाई सोसाइटी में मैंने कर दिया है पैसेंजर का ड्रॉप और ड्रॉप करने के बाद भाई मैं निकल रहा हूँ वापस दिल्ली के लिए। एमसीडी टोल पे खड़ा हूँ और इस बुकिंग में जो भाई बिल बना वो है ये वाला और 45 किलोमीटर इसमें मेरी गाड़ी चली और 1 घंटा 55 मिनट का टाइम मुझे पहुँचने में लगा सराय रोला से सेक्टर 70 गुड़गांव। तो भाई आज की अपनी अगली बुकिंग आ गई है पटेल नगर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, इनको छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ और बताता हूँ आपको कितनी गाड़ी चलेगी और कितना इसमें बिल बनेगा। तो सामान तो रख ही दिया है राइडर ने गाड़ी में और उसके बाद बैठने का वेट, फिर निकलते भाई निजामुद्दीन। भाई स्टेशन कर दिया है ड्रॉप और अभी यहाँ से निकलता हूँ, दूसरी बुकिंग आ गई है नई दिल्ली के लिए। तो दोनों बुकिंग का भाई इकट्ठा ही बताऊँगा, पहले यहाँ से निकलते हैं। भाई ये है रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन, 30 रुपये 8 मिनट के और 8वां मिनट होते ही 50 रुपये, जबकि 20 मिनट तो इनके यार यहाँ से निकलने में भी कम पड़ते हैं। जगह है नहीं, आपने टोल तो स्टार्ट कर दिया मगर उस तरीके से आपने कोई सिस्टम तो किया नहीं। तो चलो भाई भरेंगे और क्या होगा, यही हो सकता है, हमारे ड्राइवरों की तो सुनवाई की तो है नहीं। तो कहाँ गए भाई, अभी तो हाथ ही ला रहे थे, कहाँ खड़े हो? हाँ
आपकी है क्या गाड़ी? मैं फिर इधर आओ भाई सामान लेके फटाफट। तो भाई पहाड़गंज की जो बुकिंग आई थी निजामुद्दीन से उनको ड्रॉप कर दिया है, और उनको ड्रॉप करते ही अगली बुकिंग आ गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो भाई इस बुकिंग को भी अभी तुरंत तो अपडेट नहीं कर पाऊंगा, पहले तीसरी बुकिंग को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, उसके बाद ही हो पाएगा। तो चलो भाई देखते हैं, पहले तो पहुँचता हूँ रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुकिंग आई है ये, फिर उसके बाद बात करेंगे भाई। ये है पहाड़गंज साइड रेलवे स्टेशन की नई दिल्ली, जहां से एक नंबर प्लेटफॉर्म आता है, तो ये है वो साइड। तो यहाँ तो भाई स्टेशन पे तो पहुंच जाते हैं, मगर स्टेशन के अंदर जाने में ही पसीने छूट जाते हैं। तो चलो देखते हैं भाई कितनी देर में हो पाएगा पिकअप, और फिर करते हैं आपसे बातें पैसेंजर को लेने के बाद। लो भाई आखिरकार एंट्री हो गई है रेलवे स्टेशन पे, चार रेड लाइट होने के बाद अपना नंबर आया है स्टेशन के अंदर घुसने का। तो चलो भाई अभी तो एक परीक्षा और बाकी है पैसेंजर को ढूंढना। तो भाई जो नई दिल्ली से मेरा ड्रॉप हुआ है करोल बाग में, वो करोल बाग में ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ गाड़ी साफ कराने के लिए। और भाई कल सुबह से लेकर अभी सुबह तक करीब 24 घंटे में से 18 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है, और काम भी ठीक ठाक हो गया है, और कुछ बुकिंग तो मैंने अपडेट की है ब्लॉग में, और कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो प्राइवेट बुकिंग थी, उनके बिल वगैरह कुछ थे नहीं। तो भाई इस तरीके से आज सारा दिन काम हुआ है, रात में भी काम हुआ है, और कुछ ब्लॉगर बोल रहे हैं जी रात में दिल्ली में गाड़ी चलाना सेफ है नहीं, तो एक ये भी टेस्ट हो गया है जी, रात में कोई इश्यू है नहीं, जो भी बोल रहा है सब गलत बोल रहा है। और अभी नहीं, मैं तो भाई करीब करीब पिछले 8 साल से नाइट में भी बुकिंग करता हूँ और दिन में भी बुकिंग करता हूँ, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत डाउन हो गया है ना, कोरोना के बाद मैंने काम करना छोड़ दिया, कोरोना के बाद मैंने कर दिया है रात में काम करना कम, मगर काम रात में कम कोई नहीं है, और दिल्ली जैसे शहर में तो कोई सिस्टम है ही नहीं, गड़बड़ मामला। आ रहा है। तो भाई दिल्ली जैसे शहर में तो कोई समस्या है नहीं, बाकी हाँ कुछ एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे दिन में भी समस्या हो जाती है, रात को तो फिर भी होशियार रहना ही पड़ेगा। और आजकल जो क्या है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा भाई ड्राइवर भाइयों ने ये है कि सभी पैसेंजर आधार से लिंक हैं, और सभी के फ़ोन नंबर भी आधार से लिंक हैं, और भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, जो क्रिमिनल हैं उनको तो अपना काम करना ही है, हमें थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, मगर किसी की डर की वजह से भाई ऐसा नहीं काम करना ही छोड़ दिया जाए, काम कर तो करना ही पड़ेगा। और मैं तो फिर भी कभी कभी नाइट में चलाता हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे ड्राइवर यार दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो सिर्फ नाइट में ही गाड़ी चलाते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप भाई कोई नाइट में नहीं चला पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं नाइट में तो दिल्ली में लूट खसोट है, बहुत बुरी समस्या है, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिन में कमाओ बढ़िया कमा रहे हो बड़ी अच्छी बात है, मगर किसी दूसरे का तो मनोबल मत तोड़ो ना भाई, बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसे हैं जो नाइट में चला रहे हैं, दिन में गाड़ी ओनर चलाता है रात में ड्राइवर चलाता है, तो उनकी और तुम भाई डरा डरा के बुरा हाल कर दो, ऐसा कोई समस्या नहीं है।
एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें वो एक व्लॉगर भाई थे, वो यही कह रहे हैं बार बार नाइट में नहीं, नाइट में नहीं। अरे क्यों नहीं भाई, नाइट में कोई समस्या थोड़ी ना है। हाँ बाकी होशियार तो दिन में भी रहना है ड्राइवर भाई को और रात में भी रहना है। तो भाई वो इस तरीके से अपना जो काम हुआ है सबके बिल मैं कर रहा हूँ आपको अपडेट। तो जो पहली बुकिंग थी भाई वो थी मेरी, नहीं अभी जो लास्ट तीन बुकिंग के बिल जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहली पटेल नगर से निजामुद्दीन का ये बिल था, और दूसरी जो बुकिंग आई मेरी निजामुद्दीन से पहाड़गंज के लिए उसका ये बिल था, और जो तीसरी बुकिंग आई नई दिल्ली से करोलबाग का उसका ये बिल था। उसके बाद तो मैं आ गया हूँ गाड़ी साफ़ कराने के लिए, यहाँ बाइक को देने हैं 50 रुपये, और उसके बाद फिर करता हूँ आपको अपडेट, या फिर व्लॉग तो शायद लंबा ही हो गया है तो एंड करके दोबारा से नया व्लॉग करेंगे स्टार्ट। आज तारीख है भाई 13 मई 2023।